आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का लेसन 3 द गंगा, इसका हम लोग कंप्रेंसर टाइप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन, पार्ट का नाम लिखना है और कहाँ से पैसेज लिया गया है और राइटर का नाम लिखना है। तो आप इसको कर ही लोगे आराम से। नेम ऑफ द लेसन इज करके, द नेम ऑफ द लेसन द गंगा, द नेम ऑफ द राइटर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ये जो है आपको, ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये, और दूसरा क्वेश्चन जो है, तो ये जो है आपको किताब से जो मिलेगा, पहला वाला था आई हैव रिसीव्ड से लेके इंडिकेटेड बिलो, ठीक है, तो वहाँ के बीच में से आपको आंसर खोजना था। कहाँ से? आई हैव रिसीव्ड, यहाँ से लेके इंडिकेटेड बिलो, क्लियर, बिलो तक इसमें खोजना था किताब में। आप देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, समझ लीजिए, आप लिख भी सकते हैं उसको। देखिए द आथर ओज, तो व्हाट डज, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द आथर ओ टू हिज कॉमरेड्स एंड कोलीग, लेखक अपने साथियों सहकर्मियों का किस चीज़ का ऋणी है। तो आपको कहना है द आथर ओज एन इवन डीपर, ठीक है, डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्लियर। तो यहाँ से कह दो इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड किताब में है, कृतज्ञता का एक अधिक गहरा ऋण है। मतलब द आथर ओज, ठीक है, किताब में आएगा एन इवन डीपर, उसके बाद आपको मिलेगा डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कोलीग, लेखक अपने साथियों सहकर्मियों का एक कृतज्ञता की अधिक गहरे ऋण का ऋणी है, क्लियर। या शॉर्ट में भी आप कह सकते हो ओज एन इवन डीपर ग्रेटिट्यूड, क्लियर। अगला है व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद लेखक की क्या इच्छा है। तो लिख सकते हो द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज दैट, मरने के बाद लेखक की इच्छा है कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, CREA रहेगा, CREMATED, ठीक है, क्रीमेटेड वेयर ही डाइज, कि जहाँ वह मरे उसके शरीर वहीं पर क्या किया जाए, क्रीमेटेड माने दाह संस्कार कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है वेयर शुड हिज एसेज बी सेंट, उसकी राख को कहाँ भेज देना चाहिए। हिज एसेज शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज देना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें से पैसेज से शब्द बताना कि इसका मीनिंग सेम है। काउंटलेस का होगा इन्यूमरेबल, और पुट टू फायर यानी आग पर रखना, या बर्न इनटू फायर आग में जलाना, उसको तो क्रीमेटेड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका आया है, माई डिजायर टू हैव से लेके वास्ट प्लेन्स बिलो, क्लियर। इसका क्वेश्चन है, पहला राइट द नेम ऑफ द लेसन, इसको आप लिख लोगे द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखक है, इसको भी लिख लोगे, आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाई इज द आथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन द सीन द रिवर गंगा, गंगा नदी को देखने पर लेखक को क्यों बर्फ से ढकी चोटियों की, माउंटेन्स माने पर्वत, बर्फ से ढके हुए पर्वतों की याद आ जाती है। तो देखिए द आथर इज रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लेखक को जो है बता दीजिए कि बर्फ से ढके पर्वतों की याद आ जाती है ऑन सींग द रिवर गंगा, सींग में ध्यान देना SEING रहेगा, क्लियर, ये सीन नहीं है सींग है, क्लियर, ऑन सींग माने होता है देखने पर, सीन थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा, क्लियर। किताब में आपको सींग ही मिलेगा, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई है। तो लेखक को जो है गंगा नदी को देखने पर बर्फ से ढके हुए पर्वतों की याद आ जाती है, बिकॉज क्योंकि सी हैज लव्ड देम, सॉरी सी नहीं रहेगा ही रहेगा यहाँ, ही हैज लव्ड देम, क्योंकि वह उन्हें प्रेम किया हुआ, मतलब पंडित नेहरू ने प्रेम किए हैं पर्वतों को और गारी घाटियों को, क्लियर, ही हैज लव्ड देम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, LOVED लव, हुज वायरिंग मूड्स ETC हैज द आथर रिफर्ड टू इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, पैसेज के पहले पैराग्राफ में लेखक किसके बदलते हुए भावों का वर्णन किया है, रिफर्ड मतलब वर्णन किया है, वायरिंग मूड्स माने हो तो बदलते हुए भाव, तो आपको कुछ करना नहीं है, लिख देना है द गंगाज वायरिंग, गंगा के बाद पोस्ट ऑफिस भी लगाना मत भूलिए, गलत हो जाएगा नहीं तो, द गंगाज गंगा है पोस्ट ऑफिस, गंगा के वायरिंग मूड्स, वायरिंग मूड्स माने बदलते हुए भावों का ETC इत्यादि, तो गंगा के बदलते हुए भाव इत्यादि क्या है, द आथर रिफर टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, पैसेज के पहले पैराग्राफ में वर्णन किया। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं,
चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन इट बी सेड, यह कैसे कहा जा सकता है, दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि गंगा नदी भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन जो चौथा है इसका आंसर होगा इट कैन बी सेड। पहले आप ऐसे करो कि हाउ कैन इट बी सेड, तो पहले बता दो इट कैन बी सेड, ठीक है। उसके बाद दैट जो है, तो आप चाहे प्रश्न से द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चरल सिविलाइजेशन पूरा लिखते जाओ, या कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारत की जो है संस्कृत का, ठीक है, और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद आपको कर देना है, ठीक है, विकास कर देना है, क्लियर, या एज कर देना, एज कर देना, फिर आप, ठीक है, द रिवर गंगा अगर एक बार लिख दिए तो आप इसके जगह इट भी लगा, सी भी लगा दो, सी सी। उसके बाद हैज बीन ए सिंबल, क्लियर, सिंबल बाद ऑफ कर देना इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, किताब में आपको ये बातें मिल जाएंगी, क्लियर। कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि वह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का क्या रही है, प्रतीक रही है, क्लियर। सबसे सरल आंसर किताब से आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आया आपको मतलब बताने के लिए आया है, चेंजिंग का बैरिंग से हो जाएगा, पैसे से बताना है कौन सा इसका रिलेटेड अर्थ है, इससे संबंधित लार्ज का वास्ट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा स्पेशली हैज बीन तक, इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन जो बन रहे हैं, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, गंगा किस चीज़ का प्रतीक है, तो आपको बता देना द गंगा सिंबलाइजेज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अगला है व्हाट इज द गंगा बिलव्ड ऑफ हर, ठीक है, व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल, गंगा भारत के लोगों की क्यों प्रिय है, तो आपको बता देना गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल, पहले इतना लिख देना। उसके बाद लिख देना विच आर इंटरविंड, क्लियर, राउंड विच करना, पीपल के बाद राउंड विच, किताब में राउंड विच आपको मिल भी जाएगा, राउंड विच रहेगा कैटेगरी, राउंड विच माने जिसके चारों ओर आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज हर होप्स एंड फियर्स लेके डिफीट्स तक पूरा लिख देना, क्लियर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ हर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पीटी नेहरू, पीटी नेहरू को गंगा किस चीज़ की याद दिलाती है, आपको किताब मिल जाएगा द गंगा रिमाइंड्स पीटी नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, बर्फ से ढकी चोटी और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। उसके बाद विक्ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रायम्फ हो जाएगा, मैचिंग करना है, मिलाना है, यानी कि उसका अर्थ बताना है पैराग्राफ से, फिलहाल ये मैचिंग में ही आएगा आपको क्वेश्चन, तो जानते रहो अर्थ, मिक्सड इंटीमेंटली माने घनिष्ठ रूप से, तो इसको होता है इंटर विंड। चलिए फिर उसके बाद स्माइलिंग एंड डांसिंग वाला देख लेते हैं, इसके बीच में से जो क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन व्हाट डज द गंगा लुक लाइक ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय गंगा कैसे दिखती है, तो आपको बता देना गंगा लुक्स लाइक ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, किताब में आपको मिल जाएगा मानसून के दौरान एक विशाल गर्जना करने वाली वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है। उसके बाद व्हाट अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर के अनुसार क्या इज द सीन ऑफ द गंगा, गंगा का दृश्य है लाइक मैंने तरह, गंगा का दृश्य किस तरह से है, इन द मॉर्निंग सुबह के समय में एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल, और शाम को जब सायंकाल की परछाइयां गिरती हैं तब, तो आपको किताब से लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार द सीन ऑफ द गंगा इज, ठीक है ना, गंगा का दृश्य है इज लाइक स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, क्लियर, सुबह के समय मुस्कुराते हुए नाचते हुए, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, ये किताब में आपको मिल जाएगा, क्लियर, और जब सायंकाल की परछाइयाँ गिरती हैं तो क्लियर अंधकार और उदासी और रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती है, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द अकॉर्डिंग टू राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय कैसे दिखती है, तो किताब में आपको मिल जाएगा कि बता देना कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार द गंगा लुक्स नैरो ए नैरो ग्रो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर, क्लियर, ये आपको किताब से मिल जाएगा कि जाड़े के दौरान एक संकुचित धीमी और शोभायुक्त जलधारा के रूप में दिखाई पड़ती है। पाठ पढ़े तो आराम से आप कर ले जाओगे, हिंट बता दिए जरा, व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय गंगा का दृश्य कैसा रहता है, तो द सीन ऑफ द गंगा इज लाइक ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, तो मानसून के समय जो दृश्य होता है गंगा का वो एक विशाल गर्जना करने वाली वस्तु के रूप में दिखाई पड़ता है, क्लियर। फिर सी का वो सीन हो जाएगा, रुइन का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है,
एंड दो आई हैव लाइक इंस्पायरेशन। तो इसमें पहला इसने के बीच में से आपको खोजना है आंसर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द आथर वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ। भारत मतलब लेखक जो है भारत को किस चीज़ से छुटकारा दिलाना चाहता है। तो बता दो क्या द आंसर वांट्स इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स दैट वाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड डिवाइड हर पीपल। भारत लेखक जो है भारत को उन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाना चाहता है, सभी बंधनों से जो उसे बांधती हैं, नियंत्रित करती हैं और अपने लोगों में बांटती हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाई डज द ऑथर नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द कॉस्ट कम्प्लीटली। लेखक स्वयं को उस अतीत से पूरी तरह से अलग क्यों नहीं करना चाहता है। तो आंसर आपको मिलेगा द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द कॉस्ट कम्प्लीटली। इतना प्रश्न से बता दो अलग नहीं करना चाहता बिकॉज क्योंकि ही इज प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। क्योंकि उसे उस महान विरासत पर क्या है गर्व है। तो किताब में आपको मिलेगा आई एम प्राउड ऑफ, तो आई एम की जगह क्या हो जाएगा ही इज, क्योंकि इनडायरेक्ट में बताना है क्लियर। लेखक को गर्व है आपको तो है नहीं, तो इसलिए लेखक के लिए ही लगाओगे, आई एम की जगह आई इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ही कॉन्शियस ऑफ, हुआ किस चीज़ के प्रति कॉन्शियस माने सचेत है। व्हाट डज ही मीन बाई अनब्रोकन चेन। अनब्रोकन चेन अटूट जंजीर से उसका क्या तात्पर्य है। हुज लिंक ही हिमसेल्फ इज, जिसकी कड़ी वह स्वयं है। तो आंसर होगा ही इज कॉन्शियस दैट वह सचेत है कि ही टू, आई टू है किताब में तो ही टू करेंगे, लाइक ऑल ऑफ अस वह भी हम सभी की तरह इज ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट जंजीर में एक कड़ी है विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के अविस्मरणीय अतीत के इतिहास के आरंभ की तरफ ले जाती है। चौथा है देखिए फेटस माने बेड़िया, सेकल्स माने बेड़िया होता है, एंशियंट बियॉन्ड मेमोरी मतलब स्मृति से परे एकदम प्राचीन काल में जाना, यानी कि इमेमोरियल। इमेमोरियल माने होता अति प्राचीन या अविस्मरणीय। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।